एक टैक्स कलेक्टिंग यूनिट के लिए केंद्र के लिए बिहार का गठन किया गया था, लेकिन इसके बाद 1936 में उड़ीसा वालों ने कहा कि भैया ये मेल जोल हमको पसंद नहीं आ रहा है, आपने जो बिहार नाम का एक फॉल्स स्टेट बनाया है उससे हमें अलग होना है, और हमारी पहचान उड़िया है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हम पिछड़े हुए हैं। तो उड़िया वालों ने लड़कर 1936 में बिहार से एक अलग पृथक राज्य उड़ीसा बना लिया। इसके बाद झारखंड की कहानी सबको मालूम है, अब मिथिला की बारी है। 100 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की मांग को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि देश को आज़ाद होना है और इस देश की आज़ादी में आप अपना योगदान दें। और दरभंगा महाराज जो मिथिला के महाराज थे, आपको मालूम है कि कितने बड़े दानी थे। जब एक बार कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही थी और अंग्रेजों ने कहा कि आप सारा मैदान जो है जहां उन्होंने हॉल बुक किया था कैंसिल करवा दिया गया, तो हमारे महाराज ने एक जो है महल खरीद कर कांग्रेस को डोनेशन दिया और जिसमें कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। तो इतने देशभक्त हम हैं, इतने बड़े देशभक्त हम रहे कि हमने अपनी भाषा मैथिली, हमने अपने अपना क्षेत्र मिथिला, इसको पीछे छोड़कर उस समय देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज के जो हालात हैं, हमने जो देश के लिए योगदान दिया, हमने जो देश के लिए बलिदान दिया, उसका फलसफा हमें ये मिला कि आज मगध में ग्लास ब्रिज बन रहा है तो हमारे मिथिला में हम लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं। जब हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो सब कहते हैं कि मिथिला में क्या है, पानी है और बालू है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मिथिला एक समय बिहार का नहीं देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था। मिथिला देश में 40% चीनी एक्सपोर्ट करती थी। हम देश में 40% से ज़्यादा चीनी का उत्पादन करते थे। दरभंगा में आप देखिए लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, मधुबनी में सकड़ी चीनी मिल, समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल, चंपारण में कई चीनी मिल है। और इतना ही नहीं मेरे बंधुओं, पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था, पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। लेकिन 40 सालों में बिहार ने क्या किया कि चीनी मिल से जो कमाई हुआ उस पैसे से मगध का विकास कर दिया और हमारे चार सारे चीनी मिल को एक एक करके बंद करवा दिए गए, जूट मिल बंद करवा दिए गए, जितने भी औद्योगिक इकाइयां थी बंद करवा दी गई। तो हम जो इंडस्ट्रियल जोन थे वो अब क्या बन चुके हैं, मजदूर सप्लाई जोन। जितनी भी श्रमजीवी एक्सप्रेस है, जनसाधारण एक्सप्रेस है, जन शताब्दी एक्सप्रेस है, हमारे इलाके में चलाई जाती है और ऐसे हम लोग वहाँ से सफ़र करते हैं जैसे लगता है कि हम इंसान नहीं है, कोई सब्ज आलू और प्याज हो। शौचालय में मजबूर होकर हम यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बना था उस समय दरभंगा में एविएशन कंपनी थी, दरभंगा में एविएशन कंपनी थी, पूरे भारत में मात्र 5 एविएशन कंपनी था, उसमें से दरभंगा एविएशन नाम की एक विमानन कंपनी थी। हमारे मिथिला क्षेत्र में दो दो एयरपोर्ट थे, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट, जो फंक्शनल थे। अब लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपको तो एयरपोर्ट दे दिया, मिथिला का बहुत विकास हो गया। कहाँ विकास हुआ, अरे पुराना एयरपोर्ट जो आपने बंद करवा दिया था वो भी चालू करवाया है, लेकिन किस हालात में है जाकर देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट जाइएगा तो आप सबको लगेगा कि मिथिला राज्य बनना जरूरी है, क्योंकि दरभंगा भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ जाने के बाद यह अनुभव होता है कि हम एक बस स्टैंड पर आ गए हैं, वहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। लोग जो हैं 1.5 किलोमीटर धूप में और बारिश में पैदल यात्रा करते हैं, भींग कर जाते हैं और तब दरभंगा से यात्रा करते हैं, तो मिथिला के साथ साजिश हो रहा है। ये जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम कहते हैं ये नीतीश कुमार नहीं हैं, हमने इनको एक नया नाम दिया है, ये मगध राक्षस हैं। इनको मगध के अलावा बिहार में कोई क्षेत्र नहीं दिखता है, और जो भी बिहार में मिथिला भोजपुर क्षेत्र है उसके साथ ये नाइंसाफी करते हैं। दरभंगा एम्स को 8 साल से इन्होंने लटका कर रखा है, पूर्णिया एयरपोर्ट को 8 साल से इन्होंने लटका के रखा है। आप राजगीर में जू सफारी